हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप के मच अवेटेड फीचर के बारे में जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था। ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी कमियां क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे ये काम करता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ़ोन पर बात करते थे, तब एक व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति से बात कर पाता था। फिर आया ग्रुप कॉलिंग, जिसमें एक समय पर ज़्यादा लोग बात कर सकते थे। हालांकि वो फीचर इतना कॉमन नहीं था और आम व्यक्ति उसे यूज़ नहीं कर पाता था। सारे फ़ोन और सारे नेटवर्क उसे यूज़ भी नहीं कर पाते थे। खैर, फ़ोन का ज़माना तो चला गया और अब वक्त आ गया है व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप ने ग्रुप कॉलिंग की तरह ही वीडियो कॉलिंग फ़ीचर शुरू कर दिया है 31 जुलाई 2018 से। इस फीचर का बहुत दिनों से इंतज़ार था और अब ये फीचर मार्केट में आ चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे अभी से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है हम आपको वो भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल हैं। आप चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हों या आईफोन यूज़ कर रहे हों, आप इसे अभी से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके फ़ोन में काम नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लें और इस फीचर का आनंद उठाएं। अब हम आपको बताएंगे कि इस फीचर को यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल कीजिए। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपका कॉल रिसीव कर लेता है, तो आप उसके बाद आपके फ़ोन पे टॉप राइट कॉर्नर यानी कि आपके फ़ोन के ऊपर दाहिनी तरफ इस तरह की दिए हुए चिन्ह पे जाइए, यानी कि इस ऑप्शन पे जाइए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाता, यानी कि आपकी वीडियो कॉल शुरू नहीं होती, तब तक आपके फ़ोन पे ये ऑप्शन नहीं आएगी, यानी कि ग्रुप कॉलिंग एक एक करके शुरू होगी, ना कि एक साथ। आप एक व्यक्ति को कॉल कीजिए और उसके बाद बाकी फ्रेंड्स को जोड़ते जाइए। तो जब आपकी वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है, तो आप ऐड कॉन्टैक्ट्स में जाके अपने कॉन्टैक्ट्स में से बाकी लोगों को भी जोड़ सकते हैं और वीडियो कॉलिंग का आनंद उठा सकते हैं। और रही फ़ायदे और नुकसान की बात, तो फ्रेंड्स, इस फीचर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहले ये फीचर इंस्टाग्राम, स्काइप पे उपलब्ध था, पर स्काइप को यूज़ करना सबके बस की बात नहीं थी, जबकि व्हाट्सएप हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है। इसमें नुकसान यही है, खैर नुकसान तो नहीं बोल सकते, कमी बोल सकते हैं। कमी यही है कि अभी आप एक बार में सिर्फ 4 लोग ही एक समय पर जुड़ सकते हैं। ये फीचर अभी 4 ही लोगों को वीडियो कॉल करवा रहा है। खैर, अगर अब ये शुरू हो गया है तो व्हाट्सएप जल्द ही इसमें 6 या 8 लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। चलते चलते आपको व्हाट्सएप के कुछ और खास फीचर्स, खास बातें बता दें। दुनिया भर में व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले लोग 100 करोड़ हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में लगभग 700 करोड़ के लगभग लोग हैं, जिनमें से 100 करोड़ लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। रोजाना व्हाट्सएप पे 200 करोड़ मिनट्स की कॉल्स की जाती हैं। व्हाट्सएप पे रोजाना होने वाले मैसेजेस का डाटा हम एकत्रित नहीं कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये फीचर कैसा लगा, आपकी क्या रिएक्शंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CHAMBz चैनल आपके लिए लेके आता है वो सब जो आप जानना चाहेंगे। DJ Vedio।